AIB Tech में स्वागत है दोस्तों, आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको डिटेल रिव्यू देने वाला हूं Mi Duo Force F40 के बारे में, जो कि फाइनली मेरे पास आया था एक हफ्ते पहले। तो गाइस आज मैं इसको एक हफ्ते बाद यूज करने के बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल रिव्यू दे सकूं। अगर आप Mi Duo Force F40 को परचेज करने के बारे में सोचें तो आप इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखना, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा इसी Mi Duo Force F40 के बारे में। और साथ में आपको ये भी अंदाजा जाएगा कि आपको इसको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं परचेज करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर इसके पैकेजिंग के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आपको कहेंगे इस बार थोड़ा सा पैकेजिंग डिफरेंट बनाया गया है। यहाँ पर पैक में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, Mi Duo Force F40 मिल जाता है और साथ में आपको एक टाइप सी का केबल मिल जाता है जिसको इसके चार्ज करने के लिए हो जाता है। एंड साथ में आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, एक वेलकम टू मीवियंस हो जाता है, एक आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे पैकेजिंग में डिफरेंट क्या है, यहाँ पर आपको जो ये Mi Duo Force F40 रखा हुआ दिख रहा है, ये पहले आता था पेपर के शेप में, पेपर का कटआउट हो रहता था वहां पर, इस बार फोम का किया गया जो कि ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। दोस्तों यहां पर अब बात करते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसके कलर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं इसको Mi Duo Force F40 को ब्लू कलर में परचेज किया था। ऊपर से तो आपको ब्लू का मैट फिनिश दिखता है, लेकिन कहें कि अंदर का जो कलरिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो आपको वो मैट फिनिश नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको शाइनिंग मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। ये आप लोग देख पा रहे हो बाहर की तरफ कुछ और कलर है और अंदर की तरफ थोड़ा सा कुछ डार्क साइड में लिए हुए आपको ब्लू मिल जाता है, लेकिन जो इमेज दिखाया हुआ था वो कहें कि दोस्तों Mi Duo Force F40 का जो ऊपर वाला कलर है वो ऐसा कुछ दिखाया हुआ। दोस्तों ओवरऑल जो इसकी डिजाइन है वो कहें कि बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं है। इसको अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो कानों में ये फिट तो हो जाता है, बट ऐसे ऐसे करने के बाद जैसे इधर उधर होता है वो गिरने के पूरे पूरे चांस है गिर ही जाता है। मेरे ईयर्स में तो ज्यादातर चांस है ये गिर जाता है। मे बी दोस्तों यहाँ पर ये भी चांसेस है, अगर इसमें बड्स दिया होता है, जो सिलिकॉन का बड्स हमें मिलता है वो यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है, वो उसको लेस कर दिया है, तो गाइस वो होता है कहीं कि ज्यादातर चांस होता कि ये ईयर से ना गिरे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं इसी Duo Force F40 के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले प्लेबैक टाइमिंग आपको 50 hours का मिल जाता है, बट दोस्तों जहां तक मैंने टेस्ट किया वो अप्रोक्सीमेटली 50 hours तक पहुंच जाता है, 45 hours तक तो मुझे देखने को ये बिल्कुल मिला है। और यहाँ पर आपको 13mm का ड्राइवर साइज मिल जाता है, साथ साथ IPX5 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, गूगल एज वेल एज सीरी को भी वॉइस असिस्टेंट के थ्रू टच कंट्रोल के थ्रू एक्सेस कर पाने वाले, यहाँ पर ऑब्वियसली आपको टच कंट्रोलिंग फीचर्स मिल जाता है। पर दोस्तों थोड़ा सा इसको कंट्रोलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, अगर आप इसको म्यूजिक को प्ले पॉज करना चाहते हैं अपने इसी बड्स के थ्रू, तो आपको सिंपली एक बार टच करना है प्ले हो जाएगा, एक बार और टच करना है तो पाउस हो जाएगा, सिंपल वन टच करके। अगर आप किसी म्यूजिक को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको राइट वाले पर डबल टैप करना होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आप प्रीवियसली वाला म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाले पर डबल टैप कर देंगे तो आपका प्रीवियस म्यूजिक प्ले हो जाएगा। अगर कोई भी कॉल आती है तो उसको अगर आप रिसीव करना चाहते हैं, जब कॉल आती है तो आप सिंगल टैप कर देंगे तो कॉल रिसीव हो जाने वाली है, और एक और सिंगल टैप कर देंगे तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाने वाली है। साथ साथ आपको वॉइस असिस्टेंट को एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी सिंगल वर्ड पर ट्रिपल टैप करना होगा, आप गूगल एज वेल एज सीरी को डायरेक्टली एक्सेस कर पाने वाले हो अपने इसी पर्स। अगर आप टच कंट्रोल के थ्रू वॉल्यूम का इंक्रीज एंड डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपको राइट वाले को टैप करके रखना होगा, वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो जाने वाली है, एंड लेफ्ट वाले को टैप करके रखना तो आपकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाने वाली है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर इसके कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, एग्जैक्टली इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह क्या होने वाली है। तो गाइस जैसा कि मैंने यूज किया इसको 7 days के आसपास, तो गाइस यहाँ पर मुझे अप्रोक्सीमेटली 45 hours तक प्लेबैक टाइमिंग वगैरह देखने को मिला है केस के साथ में, तो गाइस ये एक अच्छी बात हो जाती है। साथ में इसकी जो डिजाइन है वो कहीं कहीं ठीक है, बट मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे ईयर से ये बार बार गिर जाता है। यहाँ पर अगर बड्स देता, सिलिकॉन का बड्स रहते, वो कहीं कहीं ज्यादा फिटिंग होता, वो ज्यादातर कम चांस होता कि आपके ईयर से गिरे। एंड दोस्तों दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जो इसका कलर बाहर से जो दिखा रहा है वही सेम ऑनलाइन वही कलर दिखा रहा था अंदर का भी, बट यहाँ पर अंदर का कलर कहीं कहीं थोड़ा डार्क है मैट फिनिश के साथ में, सिर्फ ऊपर का है केस मिल जाता है, अंदर सब कुछ आपको थोड़ा सा शाइनिंग मिल जाता है, ये कहीं कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। मैं इसको ऑर्डर किया था ब्लू कलर को देखकर। ओवरऑल दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें, जैसा कि यहाँ पर आपको 13mm का ड्राइवर साइज मिल जाता है, कहीं कहीं दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतरीन होना चाहिए, बट दोस्तों यहाँ पर कोई भी आपको ENC नहीं मिलता है, इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन नहीं मिलता है, कहीं अगर
अगर बर्ड्स होता तो कहीं की वो हो जाता, कुछ हद तक इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन आपको मिलता। साथ साथ मुझे इसका जो वैल्यूम है वो एकदम फुल कर देने के बाद भी कहीं की मुझे थोड़ा सा कम देखने को मिला, वो थोड़ा सा और होता तो और भी अच्छी बात होती है। बट दोस्तों यहाँ पर बेस की बात कर लेते हैं तो वो बेस भी मुझे बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं मिला है, वो कहीं की एक लेवल के हिसाब से थोड़ा सा ठीक मिला है। यहाँ पर बेस तभी ज्यादा पता चल रहा है जब अपने बर्ड्स को अपने फिंगर से ज्यादा प्रेस कर रहे हैं तो ज्यादा बेस पता चल रहा है, अदरवाइज दोस्तों बेस उतना ज्यादा पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ईएनसी बन नहीं पा। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इसको आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मीवी डुओ पोर्ट F40 आपको 999 रुपीज में फ्लिपकार्ट पर मिल जाने वाला है। तो गाइस ये अपनी प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर जो भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है वो बिल्कुल ही सही है क्योंकि यहाँ पर आपको 50 आर का प्लेबैक टाइमिंग मिल जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा बेस नहीं सुनना है, अगर आपको बहुत ज्यादा म्यूजिक नहीं सुनना है, अगर आपको कॉलिंग वगैरह के लिए चाहिए तो कॉलिंग वगैरह इसमें अच्छा हो रहा है। मैंने इसको टेस्ट किया है, यहाँ पर सामने वाले को बराबर आवाज सुनाई दे रही और आपको भी सामने वाले की आवाज बराबर सुनाई दे रही। अगर आप म्यूजिक के लिए लेना चाह रहे हैं तो कहीं की आपको थोड़ा सा वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बेस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फाइनली दोस्तों अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, आप इसको 1000 में परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ रहा डिटेल रिव्यू इसी मीवी डुओ पोर्ट F40 बर्ड्स के बारे में। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो लाइक कर देना एंड ज्यादा ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को अभी तक तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर ही लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑलवेज लाइव हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।